हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आप सबकी स्वागत है। देखिए, आज मैं अरबी के जो पत्ते होते हैं उसकी मैं सब्जी आपको बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से अरबी की सब्जी बनी हुई है। ये देखिए, ये सब्जी इस तरह से सब्जी बनती है, अरबी की सब्जी। ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बहुत टेस्टी बनती है ये। चलिए, मैं आपको ये सब्जी बनाने के लिए बताती हूँ। तो चलिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये अरबी के पत्ते हैं। ये देखिए, ये अरबी के पत्ते की मैं आज सब्जी बनाने के लिए बताऊंगी आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप ये अरबी के पत्ते को आप साफ़ कर लीजिए अच्छे से। देखिए, मेरे पास जो पत्ते, मैं इसको वॉश कर ली हूँ अच्छे से, दो तीन पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसके बाद ये जो पत्ते के जो ये चीज़ है, मोटी वाली डंठल, आप इसको इस तरह से चाकू से, ये देखिए, इस तरह से आप काट लीजिए। इस तरह से आपको काट लेना है। इस तरह सारे पत्ते को इसी तरह से काट के, जो मोटे से ऐसे हैं इसको आप काट लीजिए। तो देखिए, मैं इसको सारे को इस तरह से साफ कर ली हूँ। इस तरह से जो डंठल थे, अब मैं पत्ते में बेसन का यूज़ करूँगी। देखिए, ये मैंने एक कप बेसन ले रखी हूँ। एक कप बेसन है, इस बेसन को मैं घोल तैयार करूँगी। ये देखिए, इस बॉल में मैं डाल देती हूँ एक कप बेसन। इसके बाद मैं इसे धीरे धीरे चम्मच के सहारे इसे पेस्ट बनाऊँगी। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार करना है। इस तो देखिए, मैं इसका घोल तैयार कर चुकी हूँ। इस टाइप से गाढ़ी गाढ़ी से घोल रहेगी। इस टाइप से आपको घोल तैयार करना है। अब इसमें मैं नमक और हल्दी, अब हाफ टेबल स्पून नमक और हल्दी हाफ टेबल स्पून डालूँगी। ये देखिए, अब इसे मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए, इस तरह से अब मैं इस जो अरबी के पत्ते हैं इसको मैं लगाऊँगी। इस तरीके से मुझे इसमें सारे पत्तों में इस तरीके से इसको लगाने हैं। ये देखिए, इस तरह ये लगाने के इसको लगाने के बाद इसके ऊपर दूसरा जो पत्ते हैं अरबी के वो डालूँगी। ये देखिए, ये जो अंदर रखे हुए पत्ते हैं, ये देखिए, इसको इस तरीके से, इस देखिए, इस तरीके से जो मैंने लगा दिया इस पर, ये देखिए, इसके ऊपर ये दूसरे जो पत्ते हैं उसको मैं डालूँगी। ये देखिए, अब इसके ऊपर फिर घोल लगाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से इसको लगाने हैं। सब सारे पत्ते में मैं इसी तरह से लगाऊँगी। तो देखिए, ये मैंने सारे लिप्स में जो अरबी के पत्ते हैं उसमें मैंने लगा दिया। अब इसको इस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी। ये देखिए, आपके पास जितने भी पत्ते हों अरबी के, तीन या चार जो भी हो, आप इसी तरह लेयर बाय लेयर आप इसके ऊपर बेसन लगाएंगे, जिस तरह से मैंने लगाया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, फोल्ड कर दिया मैंने इसको। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे मैं धागे से बांधूंगी। ये देखिए, इसको धागा, ये जो मैंने धागे ले रखी हूँ, इस धागे से बांधने हैं मुझे। ये देखिए, इस तरीके से इसको इस तरह से लपेट के इस तरीके से बांधने। ये देखिए, ये धागे के सहारे इस तरह से बांधने, इस तरह से आप बांध दीजिए। ये देखिए, ताकि ये खुले नहीं, ये खुलेगी नहीं। अब ये देखिए, ये जो मैंने बांध दिया इसको, इस तरीके से जितने भी आपको पत्ते हैं आप इस तरह से तीन या चार पत्ते इसको इस तरह से फोल्ड करके, लेयर बाय लेयर लगा करके इसको फोल्ड करके आप इस तरीके से अब बना दीजिए। तो देखिए, मैं गैस पे पानी रख रखी हूँ पतीले में। ये देखिए, और ये ऑलरेडी मैं गर्म कर चुकी हूँ। गैस चला रखी थी मैं, दो मिनट पहले इसे गर्म कर ली पानी को। इस गर्म पानी में आप मीडियम पे गैस रखिए, इस गर्म पानी में जो मैंने ये बना रखी थी अरबी के पत्ते को, ये देखिए, इसको मैं डाल दूँगी। इसमें मुझे डालने हैं, ये देखिए, इस तरीके से डाल दूँगी। अब इसको मैं
करीब करीब 2-3 मिनट तक पकने दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। देखिए जब तक हमारा वो अरबी बॉयल हो रहा है, अरबी के पत्ते, तब तक मैं एक काम करती हूँ। मसाले मैं ले रखी हूँ। देखिए ये सरसों है, दो तीन टेबल स्पून सरसों मैंने ले रखी हूँ, काली सरसों है, ये लहसुन है, ये देखिए मैं करीब करीब 100 ग्राम से लहसुन भी ले रखी हूँ, 2 टेबल स्पून जीरा और 4 हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून काली मिर्च और टमाटो ग्राइंड किया हुआ, 3 टमाटो है जिसको मैंने ग्राइंड कर रखी थी। अब इन सब मसालों को मैं ग्राइंड करके तैयार करके रखती हूँ जब तक कि वो मेरा बॉयल हो रहा है। तो देखिए मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, मसाले को तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए जो मसाले साबुत थे उसको मैंने ग्राइंड कर ली। ये देखिए इस तरीके से, जिस तरह जैसे मछली की जो मसाले बनती है ना, उस तरीके से मैंने बनाया है। और बिल्कुल आप खाओगे तो लगेगा ही नहीं कि मैं मछली नहीं खा रहा, बिल्कुल मछली की तरह ये बनती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बनती है। चलिए मैं अब आपको ये बता रही हूँ। तो देखिए ये हमारा बॉयल हो चुका है पत्ते, ये देखो इस टाइप से। अब मैं इसे निकाल दूँगी प्लेट में। तो देखिए मैं इसको निकाल चुकी हूँ। अब इसे, ये जो धागे हैं इसको आपको हटाना होगा इस तरीके से, ये धागे आराम से आपको हटाने पड़ेंगे। ये देखिए धागा को हटा दिया, ये देखिए। अब मैं इसको इस तरह से आराम आराम से इस तरह से काट दूँगी, ये देखिए इस टाइप से। तो देखिए मैं सारे काट दी हूँ, इस तरीके से कट जाएंगे सारे, ये देखिए इस तरीके से ये सारे मैंने काट दिया। तो देखिए मैं गैस को ऑन कर रखी हूँ, कढ़ाई चढ़ा रखी हूँ और हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें मैं तेल डालूँगी, सरसों का ऑयल डाल रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि इस अरबी के पत्ते का जो मैंने बॉयल किया है इसको मैं तलूँगी, इसमें डीप फ्राई करूँगी, पकौड़े बनाऊँगी इसको। पहले मैं देखिए किस तरह से मैं फ्राई करती हूँ, ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं इसे फ्राई करूँगी। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तो मैं किसी बॉल में जो पहले मैंने घोल बनाया था बेसन के, इसमें मैं 1/4 बेसन डाल देती हूँ। उसके बाद इसको हल्का हल्का पानी से घोल तैयार करूँगी पतला सा, ये देखिए इस तरीके से मैं घोल तैयार कर लूँगी, ये देखिए, ताकि वो पकौड़े में हल्का ऊपर से कोटिंग कर दूँ और अच्छे लगते हैं खाने में, बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये पत्ते की पकौड़ा है। और सब्ज़ी में भी आप डिप डाल दो तो आप बनाओ तो बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। ये देखिए इस तरह से घोल तैयार कर दी मैं। अब इसमें हल्का नमक डाल देती हूँ, 1/2 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून हल्दी, ये देखिए। देखिए इस तरीके से एक कलर अच्छे आ जाते हैं, ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया इसको इस तरह से मिक्स कर दी। अब इसमें मैं डीप फ्राई करूँगी, देखिए आपको कैसे करती हूँ जो मैं बता दूँ। देखिए तो फिर एक घोल मेरा तैयार हो चुका है। एक घोल में मैं सारे पकौड़े को इस तरीके से इस घोल में डालूँगी इस तरीके से, और स्पून के सहारे मैं तेल में डालते जाऊँगी, ये देखिए इस तरीके से सारे पकौड़े को इसी तरह से घोल में इस तरह डाल के हल्का और इस तरह से डालूँगी। देखिए तो फिर ये फ्राई हो चुका है, ये देखिए गोल्डन गोल्डन मैंने इसको फ्राई कर दिया, ये देखिए। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, ये देखिए प्लेट में, ये देखिए इस तरह से सारे को मैं निकाल लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। आप इस तरीके से पकौड़े भी आप खा सकते हैं इस तरह बना करके, या तो फिर आप इसको इस तरीके से सब्जी भी बना सकते हो। इसमें तेल बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैं तेल और निकालूंगी। अब तड़के लगाने के लिए इसमें से तेल और मैं निकाल देती हूँ, इतना तेल मुझे नहीं चाहिए, कम तेल चाहिए तड़के लगाने के लिए सब्जी की जो ग्रेवी मैं तैयार करूँगी उस ग्रेवी को बनाने के लिए मुझे कम चाहिए, ज़्यादा तेल मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि पकौड़े को ज़्यादा तेल चाहिए होता है तलने के लिए, ग्रेवी में इतना तेल नहीं लगेगा, इसलिए मैं तेल को और निकाल ले रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से इतना मैं
हमें तेल चाहिए, और करीब करीब दो कलछी हमें तेल चाहिए। ये देखिए देखिए, अब इस तेल में मैं एक हाफ़ टेबल स्पून जीरा डालती हूँ। ये देखिए हाफ़ टेबल स्पून जीरा डाल दी। गैस कम कर दीजिए। छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देती हूँ, एक बड़ी इलायची डाल देती हूँ, और दो साबुत मिर्ची को, जीरा चटक गया हमारा, अब मैं साबुत मिर्ची डालूँगी वरना ये मिर्ची पूरी जल जाएगी, इसीलिए मैं अब इसे डालती हूँ। ये देखिए हमारा जीरा चटक गया है, तो अब मैं इसे मिर्ची को डाल देती हूँ। देखिए मैंने एक डेढ़ प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था इस तरीके से, अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए अभी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। ये देखिए अब इसमें मैं प्याज को गलने के लिए हाफ टेबल स्पून नमक भी डाल देती हूँ। ये देखिए हाफ टेबल स्पून नमक, ताकि बहुत जल्दी प्याज इससे गल जाती है। ये देखिए प्याज गल जाएगी हमारा। अब मैं इसे थोड़ा ढक के छोड़ देती हूँ दो तीन मिनट के लिए, तब हमारा प्याज है जो अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए तो तब देखिए ये मेरा जो है प्याज ब्राउन हो चुका है। ये देखिए अब मैं सारे मसाले इसमें डालूँगी। ये देखिए ये मसाले जो मैंने पेस्ट कर रखा था, जीरा काली मिर्च और सरसों, वो मैं पेस्ट वाले मसाले इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, इसके बाद इसमें इसको चलाऊँगी मैं। ये देखिए इस तरीके से, अब इसमें हाफ टेबल स्पून नमक और डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने नमक हर जगह डाला है इसीलिए कम ही नमक डालूँगी, हाफ टेबल स्पून ही नमक डालती हूँ। मैंने पकौड़े में डाला है नमक, इसीलिए मैं ग्रेवी में कम डालूँगी। अब देखिए हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी भी डालने हैं यहाँ पे, अब इसे मैं भूनूँगी। ये देखिए इसके बाद लाल जो मिर्ची है पाउडर, उसको मैं डालूँगी। ये देखिए एक टेबल स्पून नमक मिर्ची डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने मसाले में भी तीन चार हरी मिर्च डाली थी, इसीलिए यहाँ पे मैं एक चम्मच ही मिर्ची डाल रही हूँ। अब इसे मैं भूनूँगी मीडियम गैस पे। आप इसे मसाले को अच्छे से फ्राई कीजिए। मसाले थोड़े भुनने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था। अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में एक एक मिनट पे फ्राई करूँगी मसाले को। अब मैं ढक देती हूँ। ये देखिए तो देखिए एक मिनट हो चुका है, अब मैं इसे खोल के देखती हूँ मसाला हमारा कैसा फ्राई हुआ है। ये देखिए तेल ऊपर आ चुकी है हमारी, लेकिन तब भी इसे मैं अभी फ्राई करूँगी क्योंकि अभी अच्छे से फ्राई नहीं हुआ। देखिए इसमें मैं धनिया का पाउडर नहीं डाली थी, हाफ टेबल स्पून धनिया का पाउडर भी मैं ऐड कर दे रही हूँ, ताकि ग्रेवी बहुत ही टेस्टी और अच्छा बने। ये देखिए गैस को मीडियम पर करना है और इसे फ्राई करना है। ये अभी और फ्राई होगी मसाले, इसलिए अभी और मैं इसे एक दो मिनट के लिए ढक ढक के फ्राई करूँगी। तो देखिए दो मिनट के बाद मैं फिर हटा रही हूँ ढक्कन, ये हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब मैं ये टमाटर का जो पेस्ट बना रखी थी, दो तीन टमाटर का, ये मैं डाल देती हूँ इसमें। देखिए अब इसको इसके साथ मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए इस तरह से गैस को मीडियम पर रखिए, इस तरह से इसको फ्राई करना है। अब मैं फिर दो मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ूंगी, एक एक दो दो मिनट पे इसे ढक ढक के फ्राई करूँगी। ये देखिए तो देखिए हमारा मसाला जो भुन गया है, ये देखिए तेल ऊपर आ गया बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें गैस को हाई कर देती हूँ और इसमें मैं एक गिलास पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे तरी वाले रखने हैं इसीलिए। अब ये देखिए मैं एक गिलास पानी डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए ये देखिए अब मैं इसे खोला देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मसाला को मिक्स करके, अब इसमें मैं हाफ टेबल स्पून गरम मसाला जो मैं डालूँगी, इससे क्या होगा अच्छी फ्लेवर और टेस्ट आएगी।
और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि मैं फीसी खा रहा हूँ। ये देखिए, हाफ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया। खड़े मसाला डाली तब भी मैं ऊपर से गरम मसाला डाल दे रही हूँ कि टेस्ट और अच्छी आ जाए, फ्लेवर अच्छी आए। अभी खोल रहा है, देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा और खोलने देती हूँ, उबाल होने देती हूँ ग्रेवी को। तब मैं इसे जो पकौड़े मैंने तैयार किया है, ये देखिए, इस पकौड़े को मैं डालूँगी। आप सूखा भी इसे सॉस के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं तरी में डाल रही हूँ ग्रेवी में। ये देखिए, मेरा मसाला है जो खोल चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें, ये देखिए, खोल गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये पकौड़े एक एक करके। डालने के बाद ये देखिए सारा मैं डाल दूँगी। उसके बाद है जो एक या दो मिनट के लिए मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से मसाला में घुस जाए, ये पकौड़े अच्छे से अंदर तक इसकी फिलिंग चल जाए। ये देखिए, अब मैं इसे दो मिनट के लिए इस तरह से कम गैस कर देती हूँ और उसको फुला देती हूँ। एक सेकेंड, दो मिनट के लिए, सॉरी। ये देखिए देखिए, दो मिनट हो गया। अब मैं इसे खोल रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर बना है, बहुत ही टेस्टी देखने से ही लग रहा है। देखिए, तेल हमारा पूरा ऊपर आ गया है। लग रहा है कि अरबी के पत्ते की नहीं, ये मैं फिश बना रखी हूँ, इस टाइप से ये लग रहा है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये अरबी के पत्ते की सब्ज़ी है। बिल्कुल खाओगे आप तो लगेंगे कि अरबी के पत्ते नहीं, फिश के जैसे लगेंगे खाने में। देखिए, मैं अब आपको गैस बंद कर रही हूँ और मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं ये सर्व कर चुकी हूँ। देखिए, हमारा ये अरबी के पत्ते की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये पत्ते की। ये देखिए, आप बहुत ही कम समय में बन जाती है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप एक बार ट्राई कीजिए, देखिए। अब हमारा ये रेसिपी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।